हेलो एवरीवन, कसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आपके अंदर की सोई हुई केमिस्ट्री जाग जाएगी। डैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी। तो वेरी सिंपल है, और अभी मैं जितना बताऊंगा उतना ही ध्यान रखना, उससे बाहर कुछ नहीं बेटा। तो आपको इंटरनल एनर्जी दो केस में निकालना होगा, एक आइडियल गैस के केस में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, या फिर केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज में आपको निकालना होगा। तो ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये मेंशन होगा आइडियल गैस क्वेश्चन में, और ये रिएक्शन आप देख करके पहचान जाओगे, फेज चेंज भी आप देख करके पहचान जाओगे कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आइडियल गैस के केस में आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है तो एक ही फॉर्मूला है अपने पास बेटा, एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, डैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू, जिसको डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान रहे टेम्परेचर कैल्विन में पुट करना है, सी वी आपको गिवन होगा। बस यही एक फॉर्मूला है आइडियल गैस के केस में आप निकाल सकते हो। ये सब जो लिखा हमने उसका सब केस लिखा है, राइट, जो आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू जीरो, तो ये कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है। वैसे ही साइक्लिक प्रोसेस है, चूँकि ये एक स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा यू जीरो। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो वही सेम फार्मूला, राइट। आइसोकोरिक है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था अपना, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो वर्क अगर जीरो हो गया तो डेल्टा यू ही क्यू के बराबर है, डेट इज हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू, फार्मूला यही रहेगा। अगर एडियाबेटिक है तो क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, राइट। चूँकि आइडियल गैस के केस में सी पी माइनस सी वी आर होता है, एंड सी पी बाई सी वी गामा होता है, जिसको पॉइजन रेशियो भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं तो सी वी क्या आ गया मेरे पास, आर अपॉन गामा माइनस वन। इसलिए इसका एक और फार्मूला हो जाएगा, एन सी वी की जगह पुट कर दो ये, आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। तो डिपेंडिंग सी वी दे दिया है तो ये वाला यूज कर लेंगे, अगर सी वी नहीं दिया, गामा दिया है तो ये यूज कर लेंगे, क्योंकि आर तो फिक्स है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। एन मोल्स है, डेल्टा टी टेम्परेचर है, आप निकाल लोगे। तो आइडियल गैस के केस में सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है जिससे आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। सिमिलरली फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन में भी अपने पास एक ही फार्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इनथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। चूँकि जो भी रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर होती है, इसलिए एक ही फार्मूला है। तो 99% क्वेश्चन अगर डेल्टा यू का फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन में आएगा तो आपको यही फार्मूला लगाना है, और वेरी सिंपल है। डेल्टा एच गिवन होगा, फिर आपको डेल्टा यू निकालना होगा। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं ये बात हम कर रखे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, जो गैस फेज वाले होंगे, जो गैस में होंगे, राइट, उनका लेना है, सारे को सम कर लेना प्रोडक्ट वाले का, माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का, कौन सा, जो गैस फेज में, उन सब का सम कर करके माइनस कर देना, तो डेल्टा एन जी आएगा। आर आपको मालूम ही है 8.314, टेम्परेचर टी आप पुट कर देंगे केल्विन में, ध्यान रखना, तो यहाँ से डेल्टा यू आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट वे में भी निकाल सकते हैं, ये एक तरह से इनडायरेक्ट वे हो गया, क्योंकि डेल्टा एच मालूम होना चाहिए और क्वेश्चन में गिवन होता है, लाइक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बोल दिया तो वो डेल्टा एच ही है, राइट। और आपसे पूछा जाएगा हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बताओ, तो आप या इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट वे में कैसे निकालेंगे, तो सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आपको इंटरनल एनर्जी अगर गिवन होगा तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से प्रोडक्ट के इंटरनल एनर्जी को मल्टीप्लाई करके सबको सम कर लेना प्रोडक्ट साइड का, माइनस फिर उसको रिएक्टेंट साइड से कर देना, तो यहाँ से डायरेक्ट वे में सबकी वैल्यू गिवन होगी तो हम निकाल सकते हैं। तो ये है आपका इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन का। अब हम आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में वन मोल आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली फ्रॉम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, वर्क डन इज गिवन टू यू 3 किलो जूल, फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। तो थर्मोडाइनिक्स में सबसे जो मेजर पॉइंट होता है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्या क्या गिवन है। जैसे ध्यान से देखो रफी सर कैसे कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, माइनस में 3 किलो जूल पर मोल, बस ये पॉइंट का ध्यान देना, यही सब गलती होती है। एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव, रिवर्सिबल ठीक है, एडियाबेटिक है तो क्यू क्या हो गया, जीरो, तो डेल्टा यू आपका क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे
डेल्टा यू जो कि एन सी वी डेल्टा टी होता है वो किसके बराबर हो गया, डब्लू मतलब माइनस में, 3 किलो जूल है ध्यान दें, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जूल पर मोल में आ गया। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, सी वी भी आपको गिवन है, जूल्स में फाइनल टेम्परेचर बताना है, मोल्स 1 था तो 1 पुट कर दो, सी वी 20 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 3 × 1000, तो यहाँ से डेल्टा टी आपको कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो अब ध्यान से देखो तो माइनस में 150 आएगा। और डेल्टा टी ऑलवेज, डेल्टा चेंज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस में 150। फाइनल टेम्परेचर पूछा है, इनिशियली 27 है मतलब कितना हो गया 300 केल्विन, तो यहाँ पे पुट कर दो तो उधर जाएगा प्लस, तो टी फाइनल कितना हो जाएगा 150 केल्विन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वो हर एक पॉइंट पे ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 2 लीटर आइडियल गैस आ गया, इट्स ओके फाइन, एक्सपेंशन फिर से बोल रहा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल जैसे ही बोला और क्या पूछ रहा हमसे, डेल्टा यू, तो मैं क्या बोल दूंगा जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा टी क्या हो जाएगा जीरो, बाकी चीज़ आपको पढ़ना नहीं, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना थर्मोडायनेमिक्स से, डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 में सीपी आपको गिवन है, डेल्टा यू गिवन है, हीटिंग फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन, मोल्स पूछा गया था, तो वी नो चूंकि आइडियल गैस है ये, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी गिवन है, हमें सीवी निकालना पड़ेगा राइट, तो सीपी माइनस आर इज इक्वल टू सीवी, तो सीपी आपका कितना है 20.785 माइनस 8.314, तो ये अप्रॉक्स में आप कितना ले सकते हो 12 के आसपास राइट। अब डेल्टा यू आपको गिवन है, डेट इज 5000 इज इक्वल टू एन मोल्स जो कि निकालना ही है, सी वी आ गया आपका 12, और डेल्टा टी यहाँ से आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 200, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो 12 टू द 24, 24 टू द 48, उसके आसपास हो जाएंगे, तो एंस इंटीजर में कितना हो जाएगा 2, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, भले पर है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ बेटा कि एक रिएक्शन दे देगा, उसका डेल्टा यू दे दिया आपको एट 27 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा एच बताओ, गलती कहाँ कहाँ पे होती है, डेल्टा यू किलो जूल में राइट, तो ये ध्यान देना, और डेल्टा एच भी किलो जूल में पूछा जा रहा है, फॉर्मूला तो एक ही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये आपका अगर किलो जूल में है, ये भी अगर किलो जूल में है, तो इसको भी किलो जूल में बनाना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना, डेल्टा एन जी निकालना आपको बताया, इसका 1, इसका 1, 2 माइनस इसका 1, चूँकि सारे गैस फेज में, तो डेल्टा एन जी आर टी अगर मैं निकालूँ तो 1 × R 8.314 टी टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे 27 मतलब 300, ध्यान रहिए जूल्स में आया, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0.3 है ये, तो ये अप्रॉक्स में 2.4 या 5 के आसपास आप ले सकते हो, ये हो गया किलो जूल पर मोल में। नाउ आप पुट कर दो वैल्यू को, तो ध्यान से देखो, तो डेल्टा एच निकालना में, डेल्टा यू माइनस में राइट, तो क्या हो जाएगा माइनस में 59.6, और प्लस में डेल्टा एन जी आर टी प्लस में आया 2.5, तो आप ध्यान से देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 57, वो भी माइनस में, तो डेल्टा एच आपका माइनस में 57 के आसपास हो जाएगा इंटीजर टाइप में। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू बताओ राइट, या फिर यहाँ पे जैसे डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एच दे देगा डेल्टा यू बताओ, या किस केस में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, डेट मीन्स डेल्टा एन जी आर टी जीरो होना चाहिए, उसका मतलब डेल्टा एन जी जीरो होना चाहिए। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम भरे पड़े हैं, जस्ट डेल्टा एन जी में ध्यान रखना है, गैस वाला लेना है, प्रोडक्ट के सारे स्टोइकोमेट्री माइनस रिएक्टेंट के। क्वेश्चन नंबर 5 में 2.4 ग्राम कोल को बर्न किया गया बॉम कैलोरीमीटर में, तो टेम्परेचर राइज हुआ 298 से 300, डेल्टा एच पूछा गया, ध्यान देना किलो जूल पर मोल में, हीट कैपेसिटी बॉम कैलोरीमीटर का अगेन ध्यान देना है किलो जूल पर केल्विन में, तो यहाँ से मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि बॉम कैलोरीमीटर का मतलब क्या हो गया, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, और वी नो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा राइट। और यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको सी वी गिवन है, सी वी जो है वो 20 किलो जूल पर केल्विन है, यूनिट का ध्यान रखना है, तो इसलिए सिर्फ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा टी से, कितना है वो 2 केल्विन, तो केल्विन केल्विन कैंसिल, तो डायरेक्ट आपको डेल्टा यू कितना आ गया है 40 किलो जूल, ये ध्यान दे, ये 40 किलो जूल किसका है 2.4 ग्राम कोल का है राइट।
और चूंकि कोल है मतलब कार्बन सॉलिड में होगा, ऑक्सीजन गैस में, विल गिव यू CO2 गैस। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा एन जी इसका आ रहा है जीरो। कैसे? गैस का वन और इधर गैस का वन, सॉलिड का तो लेंगे नहीं, राइट, तो जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा एच ही डेल्टा यू है। बट ध्यान देना आपको कि डेल्टा एच मुझे किसका निकालना है, पर मोल का, एक मोल का। अभी जो डेल्टा एच आया 40 किलो जूल वो किसका आया है, 2.4 ग्राम, मतलब आप मोल्स निकाल सकते हो, 2.4 by 12 डेट इज 0.2 मोल्स का आया। मुझे एक मोल का निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पर मोल कितना हो जाएगा, 40 by 0.2 डेट इज 200 किलो जूल पर मोल। तो इसमें बस यूनिट का और जो वर्ड है उसका ध्यान रखना है, तभी थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन सही होंगे, अदरवाइज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो, 2.2 ग्राम N2O कूल्ड फ्रॉम 310 केल्विन टू 270 केल्विन कॉजिंग कंप्रेशन 217 ml टू 167 ml और आपको डेल्टा यू बताना है, सीपी आपको गिवन है। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेट मीन्स पहले मैं क्यू निकाल लूँ, क्यू क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखो, सीपी कैसे है, 100 जूल पर केल्विन पर मोल है। तो डेट मीन्स आपको एन निकाल लेना है, तो 2.2 ग्राम था तो उसको 44 से, तो मोल्स आ गया एन सी गिवन आपको 100, डेल्टा टी आपको 40, राइट। तो ये आ जाएगा आपको, ध्यान से देखो इस पॉइंट का यहाँ पे डेसिमल लगा दो, जीरो से जीरो कैंसिल, राइट। तो ये 22 से 2 टर्म्स में, ये 2 से 2 टर्म्स में, तो ये 200 जूल है आपका क्या, हीट। नाउ वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू पी, 1 बार है और डेल्टा वी, तो यहाँ ध्यान दें 50, ये ml में, तो 1000 से डिवाइड किया तो लीटर में, और 1 बार लीटर क्या होता है, 100 जूल्स के बराबर, तो इनटू में 100 कर दूंगा तब ये जूल्स में आ जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब, तो ये कितना आ गया, 5 जूल्स, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी गलती होती है, अब कूलिंग हुई है, कूलिंग में मतलब हीट निकला है, तो ये जो होगा आपका माइनस में होगा, और कंप्रेशन डेट मीन्स वर्क क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे 200 माइनस 5 डेट इज 195 जूल्स आंसर आएगा इसका। तो आपको ऐसे करना है, पॉइंट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, डेल्टा एच वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा यू वेपोराइजेशन की वैल्यू सम कांस्टेंट इनटू 10^2 है, तो वो वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि वाटर को क्या किया जा रहा है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। तो इसका डेल्टा एन जी अब ध्यान से देखो 1 हो जाएगा। कैसे? गैस का तो लेंगे, इधर लिक्विड है तो 0। डेल्टा एन जी अगर 1 हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी पुट कर दो 1। तो ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इधर लेंगे तो किसके, डेल्टा एन जी 1 मतलब आर टी, मतलब आपको आर टी की वैल्यू निकालना है फाइनली। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और आर आपको मालूम है 8.314, टेम्परेचर 373, जो अप्रॉक्स में 31 × 10^2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 31। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन यहाँ पे जो गड़बड़ी होती है वो ध्यान से देखो क्या होता है, ए से बी प्रोसेस है, क्यू एब्जॉर्ब 5 जूल है, वर्क डन बाय गैस 8 जूल है, तो क्या मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूँ, तो डेल्टा यू ए बी का क्या हो जाएगा, क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी। ध्यान देना है, साइन ए बी एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब मतलब गेन, गेन मतलब पॉजिटिव, तो इसको ऐसे ही रखना है 5 प्लस डब्ल्यू ए बी, वर्क डन बाय गैस मतलब सिस्टम ने वर्क किया, निगेटिव फीडबैक, तो क्या हो जाएगा माइनस में 8, तो ये कितना हो जाएगा -3। अब आपको बी से ए प्रोसेस का हीट इवॉल्व गिवन है, तो वर्क पूछा गया है, तो यू नो अगर ए से बी का डेल्टा यू जो आपने अभी निकाला -3 है, तो बी से ए का क्या हो जाएगा +3, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे अगर रिवर्स करेंगे तो, राइट, और वैल्यू वही रहेगी। तो डेल्टा यू बी ए की बात करूंगा, तो वो क्यू बी ए हो जाएगा प्लस डब्ल्यू बी ए। अब डेल्टा यू बी ए कितना हो गया वो तो आपको मालूम है कि डेट इज 3 हो चुका है, राइट, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू। नाउ क्यू बी ए आपको गिवन है, हीट इवॉल्व हुआ है मतलब लॉस, तो ध्यान देना वो माइनस प्लस डब्ल्यू बी ए निकालना है, डेट इज एक्स, तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा आपका
इधर आ जाएगा तो प्लस सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स जूल हुआ। अब सिक्स जूल प्लस में आया, इसका मतलब क्या हो गया है कि वर्क डन बाय सराउंडिंग हुआ, ऐसा भी बोला जा सकता है, या फिर वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ है, सिस्टम पे वर्क हुआ है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप के वर्ड में वो आपको फंसा सकता है। तो आई होप ये 8 प्रॉब्लम से आपको कैसे कैलकुलेशन करना है एक आइडिया हो गया, अब आप सारे पी वाई क्यू को कर सकते हो। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, राइट। और अगर क्वेश्चन में कहीं पे बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्ड यूज कर रहा है, डैट मीन्स वो सिंपल कहना चाह रहा है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, डैट इज डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा वो, तो ध्यान रखना क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, ये फिक्स है, राइट। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 और वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि अगर ये एक स्टेट फंक्शन है तो अगर ए से बी प्रोसेस का डेल्टा यू अगर आपको मालूम है और बी से ए का निकालना हो तो वैल्यू सेम रहेगी, ध्यान से देखो वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे चूंकि प्लस साइन था तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। दूसरा, वैसे ही अगर ए से बी प्रोसेस का डेल्टा यू अगर आपको मालूम है और अगर आपने इसको किसी कांस्टेंट लाइक 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से देखना, राइट। और पॉइंट नंबर 3 कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ए प्लस बी गिव्स यू 2c, इसका डेल्टा यू गिवन है, कोई दूसरी रिएक्शन है सी प्लस डी गिव्स यू बी, डेल्टा यू इसका गिवन है, तो इन दोनों रिएक्शन को अरेंज करके कोई तीसरी रिएक्शन आ रही है तो उसका डेल्टा यू बताओ, तो आपको जस्ट देखना है कि आप क्या कर रहे हो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ध्यान से देखो एरो के अपोजिट साइड कैंसिल होते हैं, तो बी से बी कैंसिल, यहाँ पे एक सी है तो एक सी कैंसिल होगा, तो ए प्लस डी गिव्स यू सी, तो मैंने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया इसलिए डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो बस इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन जिस रिएक्शन का गिवन है उस रिएक्शन को आप कैसे अरेंज करो जिससे कि वो मेन रिएक्शन आ रही है तो उससे आप डेल्टा यू उसका निकाल सकते हो, और ये दो पॉइंट का यूज कर सकते हो, रिवर्स करो तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई अगर करना पड़ रहा है तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आई होप ये इंटरनल एनर्जी आपका क्लियर होगा, अब आप सारे पी वाई क्यू को ईजिली कर सकते हो। थैंक यू।